हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 7 दिसंबर 2019 की क्लिम्स एडवर्टर सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी न्यूज़ की तरफ। पहली जो न्यूज़ आई आज, वह है फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर के बारे में। तो देखो, क्या होता है फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर और क्या न्यूज़ है, और इसके लिए आपको पता है गवर्नमेंट ने एक्ट भी बनाया था पिछले साल, फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बिल, और उसके बाद वो एक्ट बन गया था 2018 में। तो हम इसके कुछ फैक्ट जानने की कोशिश करते हैं। पहले देखते हैं न्यूज़। न्यूज़ ये है कि अभी एक स्पेशल कोर्ट ने जो डायमंड बिजनेसमैन थे ना, जिनका आप नाम सुना होगा नीरव मोदी, वो और उनके जो अंकल थे, उनको अभी फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट के तहत फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है वो साबित कर दिया गया है। मतलब सीधी सी बात अगर हम बात एक कहें तो अभी उनको आर्थिक भगोड़ा है वो साबित कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने 2 बिलियन का पंजाब मिलियन जो बैंक है, सॉरी पंजाब नेशनल बैंक है, यहाँ से लोन लिया था जो अभी उन्होंने चुकाया नहीं था। और उसके बाद में जो ईडी है, इसने काफी केस वगैरह दर्ज किए। तो न्यूज अभी आई है कि भाई उनको आर्थिक भगोड़ा डिक्लेयर है वो किया गया है। देखो, यहाँ पे एक चीज क्लियर रखनी है आपको, जो फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बिल आया था, इसके जो एक्ट बना था, इस एक्ट में सबसे पहले जिनको आर्थिक भगोड़ा डिक्लेयर किया गया था वो थे, आपको पता है, विजय माल्या। इसके बाद में सेकंड नंबर पे जिनको भगोड़ा घोषित किया गया वो रहे हैं नीरव मोदी। तो एक तो ये छोटा सा फैक्ट आप क्लियर रखना। फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बिल में ये प्रावधान किया गया था कि भाई कौन है वो इकोनॉमिक ऑफेंडर कहलाएगा, और फ्यूगेटिव, फ्यूगेटिव का मतलब होता है भगोड़ा, इकोनॉमिक ऑफेंडर मतलब आर्थिक ऑफेंडर का मतलब क्राइम करने वाला, कि आर्थिक कोई भी किसी ने भी इकोनॉमिक को नुकसान पहुंचा है उसको कहा जाता है फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, जो दूसरे देश में भाग गया है एक तरीके से। देखो, अगर कोई भी इंडिया का बिजनेसमैन या कोई भी पर्सन हो जो कि एटलीस्ट इंडिया में 100 करोड़ के आसपास, कम से कम 100 करोड़ की बात की जा रही है, यहाँ पे लिखा हुआ देखो कि कम से कम कोई भी पर्सन अगर इंडिया से 100 करोड़ का लोन लेके भाग जाता है दूसरे देश वगैरह में या कहीं और कुछ चला जाता है, उसको कहा जाता है फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। जैसे मान लो कि किसी ने 90 करोड़ का किया तो वो नहीं कहलाएगा, क्योंकि एक्ट में ये प्रावधान किया गया है कि अगर किसी भी इंसान को इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर किया जाता है तो कम से कम ये गाइडलाइन है कि भाई वो 100 करोड़ का लोन हो या फिर 100 करोड़ के कुछ भी अमाउंट का ऐसा कुछ क्राइम करके भागा हो, उसको फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट में शामिल है वो क्या कहे, जो कि पिछले साल ही पारित था वो क्या गया था। तो अब हम यहाँ पे कुछ एक दो फैक्ट और है उनको जानने की कोशिश करेंगे कि भाई इनको घोषित क्यों गया, क्यों, क्योंकि देखो इन्होंने तो 2 बिलियन डॉलर के आसपास का लोन ले रखा था पंजाब नेशनल बैंक से, जो कि फ्रॉड तरीके से लिया था, तो एक काफी बड़ा सीरियस मामला है वो हो गया था, तो उसी को लेके छोटी सी न्यूज है वो यहाँ पे आई है। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। न्यूज ये आई है कि कनाडा की एक लार्जेस्ट पेंशन फंड है जिसका नाम है कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड, CPPIB। इसने अभी क्या एग्री किया है, इस चीज के लिए एग्री किया है कि भाई इंडिया का जो ये फंड है ना, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इस फंड में वो 600 मिलियन डॉलर का पैसा इन्वेस्ट वो करने जा रही है। तो ये हम जानने की कोशिश करते हैं। देखो, वैसे जो ये NIIF फंड है ना, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसके 3 पार्ट हैं, तो 3 पार्ट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई कौन कौन से पार्ट में क्या क्या है, बट हमें एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि भाई 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका एक तो फायदा क्या होगा, और ये जो फंड है ना, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये है क्या। देखो, गवर्नमेंट ने इस फंड को बनाया था 40,000 करोड़ की अमाउंट से, 2015 में इस फंड को सेटअप वो किया गया था कि हमारे देश में जो भी प्रोजेक्ट है इनको फंडिंग देने के लिए। अब कौन से प्रोजेक्ट को फंडिंग देने के लिए इस प्रोजेक्ट का या इस फंड का निर्माण किया गया था वो हम देखते हैं। स्टार्टिंग अमाउंट कितनी थी, 40,000 करोड़ से इस फंड का निर्माण 2015 में किया गया था गवर्नमेंट ने। और इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि 49% फंड का जो पैसा है वो तो देगी गवर्नमेंट खुद, और बाकी जो 51% जो हिस्सा है ना, वो बाहर से गवर्नमेंट को टेक करना होगा, यानी कि हम एक तरीके से बोल सकते हैं या तो प्राइवेट इन्वेस्टर हो या फिर इंडिया के भी बिजनेसमैन हो सकते हैं, कोई भी कहीं का भी बिजनेसमैन, कोई भी कंपनी इसमें शामिल हो सकती है। फंडिंग यह प्रोवाइड करवाएगी ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड और जो सेटल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है इनको। देखो, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कौन से होते हैं, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट वो होते हैं जो कि कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हो कि पोल्यूशन वगैरह कम फैलाते हो या इकोनॉमी को एक तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट की बात, यानी कि जैसे कि मान लो कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कोई प्रोजेक्ट लग रहा है तो वो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में आ जाएगा, कोई थर्मल पावर प्लांट लग रहा है तो इस तरह की चीजें हैं वो आ जाएंगी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में, मतलब जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान कम हो रहा हो उन प्रोजेक्ट को कहते हैं ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट कौन से होते हैं, ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि कोई प्रोजेक्ट है वो आधा अधूरा पहले का बना हुआ है, जैसे मान लो कि कोई भी जमीन है यहाँ पे लगभग थोड़ा बाउंड्री वगैरह बनी हुई है, आधा अधूरा काम हुआ हुआ है बट पूरा काम कंप्लीट नहीं हो पाया, जब 20% कंप्लीट हो कितना भी हो, तो उन प्रोजेक्ट को कहा जाता है ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट, कि भाई आधे अधूरे हैं बाकी उनको काम कंप्लीट करना है तो पैसे की जरूरत है जो भी है।
और सेटल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मतलब जो सेट हो चुके हैं ऑलरेडी, उन इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित है उन प्रोजेक्ट की बात यहाँ की जा रही है। इसके बाद में देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि जो गवर्नमेंट है वो इसमें 49% पैसा इन्वेस्ट करेगी, इन 49% जो पैसा है वो तो गवर्नमेंट खुद दे रही है अपनी तरफ से, बाकी जो पैसा है वो थर्ड पार्टी से इन्वेस्टर से अरेंज करना होगा, जैसे कि सॉवरेन वेल्थ फंड हुआ, या फिर इंश्योरेंस एंड पेंशन फंड हुए, या फिर इसी के साथ ही इंडोनमेंट्स हुआ, यहाँ से गवर्नमेंट इस पैसे को कलेक्ट वो करने वाली है। मतलब इसमें गवर्नमेंट की जो मेजोरिटी है वो ज्यादा नहीं रहने वाली, 49% हिस्सेदारी की ओर गवर्नमेंट है वो यहाँ पे रख रही है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसका पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि इस फंड से गवर्नमेंट वेपन वगैरह है मिलिट्री इक्विपमेंट वगैरह खरीदने लग जाए, नहीं, इसका पैसा यूज किया जाएगा एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, हाउसिंग सेक्टर में, वाटर सेक्टर में, वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर में, या फिर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी कोई प्रोजेक्ट वगैरह लगाना हो। मतलब गवर्नमेंट मिलिट्री पर्पज जैसे कार्यों में इस फंड का यूज है वो नहीं कर सकती है। इसके बाद में अगर और हम बात करें, तो मैंने आपको बताया कि जो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है इसके 3 पार्ट हैं, और उनमें इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि भाई हर एक पार्ट वो अलग अलग तरीके से आपस में सेटलमेंट है वो कर सकें। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये फंड है वो सेबी में रजिस्टर है या नहीं है, तो ये हम देख लेते हैं। देखो ये जो फंड है ना, ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के तहत सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी में रजिस्टर है, तो ये आप लास्ट वाली लाइन ध्यान रखना बहुत क्लियर है कि ATF AIF यानी कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के तहत सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है वो रजिस्टर किया गया है, तो सेबी की गाइडलाइन या जुरिडिक्शन पे रहेगी, ये क्लियर रखना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है एक्साइज इंदिरा। देखो एक्साइज इंदिरा है ना वो इंडिया की एक्साइज है, किसके साथ? रशिया के साथ है, और जो ओनली एक्साइज आपको कहीं मिल जाए इंदिरा, इसका मतलब ये है कि यह ट्राई सर्विस एक्साइज है, मतलब आर्मी प्लस नेवी प्लस एयरफोर्स तीनों इसको अंजाम वो देने वाली है। इंडिया की भी आर्मी नेवी एयरफोर्स और रसिया की भी आर्मी नेवी एयरफोर्स हैं, वो एक साथ इस एक्सरसाइज को कंडक्ट है वो करने वाली हैं। इस बार ये कंडक्ट हो रही है इंडिया में, तो ये ध्यान रखना है कहाँ पे, झांसी के पास में, और जो बाकी है जैसे कि नेवी वाला है वो है पुणे के आसपास में है, सॉरी गोवा के आसपास में है, और जो एयरफोर्स वाली है वो पुणे के आसपास, इस तरीके से अलग अलग इसको कंडक्ट है वो किया जा रहा है कि आर्मी वाली यहाँ पे है, तो वो कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आर्मी की कहाँ पे कंडक्ट की जा रही है नेवी की कहाँ पे, बस ये इंपॉर्टेंट है कि एक्साइज इंदिरा का 2019 का जो एडिशन है वो इंडिया में आयोजित है वो किया जा रहा है। ट्राई डेटर एक्साइज है मतलब ट्राई सर्विस, सॉरी इसका मतलब क्या होगा, आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों इसमें शामिल होने वाली है। ये जो एक्साइज है वो स्टार्ट हुई थी 2003 से, और पहली एक्साइज इसके बाद में अच्छे से कंडक्ट की गई थी, और उसके बाद में लास्ट जो इसका एडिशन है वो 2017 में कंडक्ट है वो किया गया था ट्राई लेटर का, नहीं पहले तो कहेंगे सिंगल सिंगल ही होती थी या आर्मी की या ओनली नेवी की, बट अब इसको ट्राई लेटर लेवल पे इम्प्लीमेंट है वो कर दिया गया। नेक्स्ट जो आर्टिकल वो है इंडिया फॉरेक्स रिजर्व। देखो फॉरेक्स रिजर्व होता क्या है, पहली बात तो ये देखते हैं कि इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है ना इसमें क्या क्या शामिल है, ये यूपीएससी पूछ सकती है इकोनॉमिक्स में। एक तो इसमें फॉरेन करेंसी एसेट्स, चाहे फॉरेन की जो भी करेंसी है, डॉलर हो या और भी आपके पास येन हो यूनान, सारी करेंसी एसेट्स हैं वो इसमें शामिल होती हैं। इसी के साथ गोल्ड को भी इसमें शामिल किया जाता है, और जो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, देखो हमने डिस्कस किया था कि IMF के बारे में एक बार एक आर्टिकल कि इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है उसकी जो करेंसी है उसको कहते हैं स्पेशल ड्रॉइंग राइट। इसमें वर्ल्ड की जो 5 इंपॉर्टेंट करेंसी होती है ना उनको शामिल करके SDR है वो वैल्यू बनाई जाती है, मतलब 5 करेंसी पे डिपेंड है वो करती है। इसके बारे में यूपीएस ने एक बार क्वेश्चन भी पूछा था कि SDR में लेटेस्ट करेंसी कौन सी एंड हुई थी, तो उस टाइम पे लेटेस्ट जो करेंसी ऐड की गई थी इसमें SDR में वो की गई थी चाइना की करेंसी जिसका नाम था रेनमिनबी। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ पहले, और इसी के साथ जो रिजर्व ट्रेंड पोजिशन है IMF की वो इसमें शामिल होती है। तो ये आप सारे फैक्ट क्लियर रखना कि फॉरेक्स रिजर्व में करेंसी भी जो फॉरेन करेंसी है वो शामिल होती है, गोल्ड भी शामिल होता है, SDR भी शामिल होते हैं, इसके साथ जो रिजर्व ट्रेंड पोजिशन है वो भी सब शामिल की जाती है। देखो अभी इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है ना वो है लगभग $450 बिलियन का, मतलब $450 बिलियन से भी ज्यादा है वो जा चुका है, पहली बार इतने हाईएस्ट नंबर पे पहुंचा है। अगर हम बात करें तो ये इतना कैपेबल है कि भाई अगर इंडिया को इन केस ऑफ फ्यूचर कुछ भी खरीदना हो तो 11 महीने तक इंडिया इससे सामान लगातार खरीद सकता है, मतलब अगर 11 महीने इंडिया के पास बाहर से भी कोई फंड ना आए तो भी 11 महीने तक अपना इंडिया जो इम्पोर्ट का खर्चा है वो इससे चला सकता है। देखो इस साल हम बात करें तो इस साल का जो हमारा यानी कि फाइनेंशियली स्टार्ट कब हुआ था, ऑब्वियसली अप्रैल में होता है, तो 1 अप्रैल से लेके और अभी ये नहीं क्या चल रहा है, नवंबर एंड हो चुका है, दिसंबर स्टार्ट हुआ है, तो नवंबर के बीच में ये है वो 38.8 बिलियन का बढ़ा है, तो ध्यान रखना इस साल ये इंक्रीज हुआ है। और अगर हम ट्रेंड की बात करें
तो ट्रेंड में ये फैक्ट ध्यान रखना कि 2013 में जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व था ना, वो था 274.8 बिलियन डॉलर के पास, यानी कि 274 बिलियन डॉलर के समथिंग था, और अभी जो बढ़ के हो गया 450 बिलियन डॉलर के पास। अब कई बार यूपीएससी क्या पूछती है कि ये भाई रेपिडली लगातार डिक्रीज होता जा रहा, इंक्रीज होता जा रहा है, या फिर लगातार डिक्रीज होता जा रहा है, तो ऐसे थोड़ा फैक्ट क्लियर रखना है कि भाई डिक्रीज हो रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है। बट अगर हम देखें तो लास्ट 6 साल में लगातार बढ़ता ही गया है। पिछले 6 साल में हमारा जो फॉरेक्स जो है वो 175 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा बढ़ा है। तो ये आप इस तरीके का ट्रेंड पूछ सकते हैं यूपीसी की, पिछले 5 साल में हमारा फॉरेक्स जो बढ़ा है। जी हाँ, बिल्कुल बढ़ा है, घटा नहीं है, इस तरीके से फैक्ट क्लियर रखना। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है पेमेंट बैंक के बारे में। देखो, गवर्नमेंट ने पेमेंट बैंक है वो लॉन्च किए थे, किस लिए लॉन्च किए थे वो हम देखते हैं। हमारे देश में जो पेमेंट बैंक है वो लॉन्च किए गए थे फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, यानी कि वित्तीय समावेशन के लिए। दो टारगेट थे वित्तीय समावेशन में, एक तो जिन लोगों के पास अकाउंट नहीं है रूरल एरिया में, ऐसी जगह जहाँ पे बैंक वगैरह अवेलेबल नहीं है, नॉर्मल जो बैंक होते हैं पीएसयू वगैरह, वहां पे लोगों में स्मॉल सेविंग अकाउंट है वो खोले जाएं और उनको सेविंग के लिए प्रमोट है वो किया जाए। दूसरा इसीलिए कि भाई जैसे माइग्रेंट लेबर है, ये मान लो कि कोई भी, जैसे मान लो यूपी का कोई लेबर है वो काम कर रहा है तमिलनाडु में, अब उसको तमिलनाडु में काम कर रहा है उसको पैसा भेजना है घर पे, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई वो पैसा मतलब कोरियर करवाने जाए या खुद आके देके जाए, कि वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं है, काफी खर्चा हो जाएगा। तो अगर उनका अकाउंट है तो यूपी में डेबिट कार्ड से उनके अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं, यहाँ से डिपॉजिट करवाने पे। तो इसीलिए जो माइग्रेंट लेबर वर्कफोर्स है, या फिर और अगर हम बात करें जो लो इनकम हाउस होल्ड है, स्मॉल बिजनेसमैन है, उनके लिए आप ये बोल सकते हो कि उनको जल्दी से जल्दी या अच्छे तरीके से इंक्लूजन हो, वो आराम से फाइनेंशियल सर्विस है इनका लाभ उठा सकें, इसी के लिए पेमेंट बैंक का निर्माण है वो किया गया था। और इनका फोकस भी ये रहता है कि जो स्मॉल सेविंग वगैरह है इन पे फोकस रहता है, ना कि बड़ी चीजों पे। इनके कुछ देख लो गाइडलाइंस देख लेते हैं, इस पर यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछा है। पहली बात तो ये कि ये जो पेमेंट बैंक होते हैं ना, ये डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट है वो करते हैं, और इनके पास अगर मैक्सिमम कोई भी पर्सन पैसे डिपॉजिट करवाता है तो वो कैपेसिटी होती है 1 लाख, मतलब कोई भी इंडिविजुअल कस्टमर है वो मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक के डिपॉजिट करवा सकते हैं। एग्जाम्पल हम बात लें तो पेटीएम का ले लो, पेटीएम में आपको पता है कि जो मैक्सिमम 1 महीने की जो लिमिट होती है वो 1 लाख की होती है, कि 1 लाख की ही आप लिमिट पैसे डिपॉजिट करवा सकते हो, और वैसे भी 1 लाख से ज्यादा नहीं हो सकते, और 1 महीने में 1 लाख से ज्यादा खर्च भी नहीं कर सकते। इसी के साथ ही इम्पोर्टेंट चीज क्या है, ये लेंडिंग यानी कि उधारी। उधारी का मतलब क्या होगा, यहाँ पे फ्री में तो देंगे नहीं, ऑब्वियसली लोन की बात की जा रही है, ये लोन नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इनका लोन देने का काम नहीं है, इनको सेविंग वगैरह को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। इसके बाद में और हम बात करें कि भाई इनको सीआरआर एसएलआर मेंटेन करना होता है, नहीं होना, जी बिल्कुल, इनको सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो है वो इनको मेंटेन करना होता है। हम बात करें एसएलआर की तो इनको एसएलआर भी मेंटेन करना होता है, एसएलआर मतलब स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो। तो इनके पास जितनी भी जो इनकम हो रही है ना, जैसे कि इनके पास ये मान लो कि 100 करोड़ की डिमांड डिपॉजिट आ गई है, 100 करोड़ की टोटल, तो 100 करोड़ में से जो 75% जो पैसा है वो तो इनको एसएलआर के फॉर्म में रखना होता है। क्यों? क्योंकि इनका मेन टारगेट लोन देना नहीं है, इन प्रॉफिट के लिए काम नहीं करने के लिए बनाया गया इनको, ये और सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं, बट लोन वगैरह देने के लिए इनको क्लियर मना किया गया है, इसलिए इनको मैक्सिमम पैसा वो एसएलआर के फॉर्म में रखना पड़ता है, ताकि कभी भी करप्ट वगैरह बैंकक्रप्ट जैसे करेंसी में हालत में ना आ जाए। अगर और हम बात करें तो इनके पास जितना भी पैसा होता है उसका जो 25% जो पैसा होता है वो इनको फिक्स डिपॉजिट के अकॉर्डिंग जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक होते हैं उनके लिए रखना होता है, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये एटीएम कार्ड जारी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, बट क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि क्रेडिट कार्ड का क्या होता है, एक तरीके से बैंक आपको उधार देता है, और आपको अभी डिस्कस किया था हमने कि उधारी है वो अलाउ नहीं है, यानी कि लोन वगैरह नहीं दे सकते, इसका मतलब क्रेडिट कार्ड ये जारी नहीं कर सकते। इसी के साथ इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि किसी भी पर्सन को या किसी भी संस्था को पेमेंट बैंक का लाइसेंस लेना हो तो कम से कम उसके पास 100 करोड़ की इक्विटी है वो होनी चाहिए, यानी 100 करोड़ की जो पेड इक्विटी कैपिटल है वो होनी चाहिए, तभी वो पेमेंट बैंक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनके बारे में यूपीएससी पूछ सकती है, और अक्सर पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड भी आप इनका यूज है वो कर सकते हो। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। अब एक खाई कुछ आर्टिकल रह गए हैं, वो है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर गोल प्रोग्राम के बारे में। देखो, जो गोल प्रोग्राम है ना, ये फेसबुक का प्रोग्राम है, तो पहला फैक्ट तो यही है कि जो गोल प्रोग्राम है वो किसका है भाई, तो फेसबुक का है। किस लिए बनाया गया है इस गोल प्रोग्राम को, इसलिए लॉन्च किया गया है कि डिजिटल लिटरेसी की किसके लिए,
ट्राइबल गर्ल्स के लिए। देखो वैसे आप एक चीज थोड़ा कॉमन सेंस वैसे भी देख सकते हो कि अगर फेसबुक का प्रोग्राम है तो ऑब्वियसली डिजिटल से संबंधित होगा, क्योंकि फेसबुक तो मान लीजिए जो काम है वो डिजिटल संबंधित ही काम करती है, ऑनलाइन वगैरह ही। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो वित्तीय साक्षरता है, डिजिटल लिटरेसी हुई, या फिर डिजिटल जो और भी अवेयरनेस हो गई है लोगों को, स्किल प्रोवाइड करानी हो, ऐसा ही कुछ काम करने वाले भी। तो हाँ ये कुछ इसी तरीके का काम है वो प्रोवाइड करती है कि जो ट्राइबल्स गर्ल्स हैं जो कि काफी दूर दराज के एरिया में, रिमोट एरिया में रहती हैं, जहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन ढंग से नहीं पहुंचा है, फाइनेंशियल लिटरेसी भी नहीं है, इसी के साथ ही डिजिटल लिटरेसी का भी अभाव है विलेज लेवल पे, तो वहां पे जो बच्चे हैं इनको अवेयर करवाया जाएगा, या फिर उनको कम्युनिटी के लेवल पे ट्रेनिंग है, स्किल है, वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ट्राइबल वुमेन है उनको आपस में जो एक्सपर्ट मेंटर्स हैं इनके साथ स्किल है, ट्रेनिंग है, फैशन संबंधित, आर्ट संबंधित, जो भी डिजिटल है स्किल वगैरह, ये सारी प्रोवाइड करवाई जाएंगी। इसी के साथ ही हमारे देश में जो डिजिटल जेंडर गैप है इसको खत्म किया जाएगा। देखो नॉर्मली हमारे देश में ट्रेंड क्या है कि मैक्सिमम जो आज भी इंटरनेट यूज किया जाता है वो मेल पर्सन के द्वारा ही किया जाता है, तो यार फीमेल के द्वारा इंटरनेट है वो काफी कम यूज किया जाता है। तो इसी गैप को, ये होता है डिजिटल जेंडर गैप एक तरीका, क्योंकि डिजिटल जो इंस्ट्रूमेंट है इन पे मेल का ज्यादा राइट है आज भी, तो इसको कम करने के लिए, जो गैप को कम करने के लिए ये जो ध्यान है या फिर ये जो प्रोग्राम है काफी हेल्पफुल साबित होने वाला है। अब हम रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले आज हमने फिगरेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018 के बारे में डिस्कस किया कि कौन फिगरेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर होता है, क्या कंडीशन है। इसी के साथ हमने नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में जाना। फिर हमने यहाँ पे डिस्कस किया एक्साइज इंदिरा, जो कि इंडिया और रशिया के बीच में ट्राई सर्विस एक्साइज है। फिर हमने इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व के बारे में डिस्कस किया कि इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व है वो अभी 450 बिलियन डॉलर से ऊपर पहुंच चुका है। फिर हमने पेमेंट बैंक के बारे में डिस्कस किया कि पेमेंट बैंक क्या है, क्या क्या इनके लिए कंडीशन है, कैसे ये काम कर सकते हैं। लास्ट में हमने गोइंग ऑनलाइन एज लीडर प्रोग्राम, यानी कि गोल, जो एक फेसबुक का प्रोग्राम है डिजिटल लिटरेसी के लिए, इसको डिस्कस किया। तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू मच फॉर डिस्कशन।